नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों के साथ। एक्टर सुरभी जावेद अपनी फैशन के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अक्सर बोल्ड अंदाज और छोटे कपड़ों में नजर आने वाली उर्फी जावेद इस बार पूरे कपड़ों में देखी गई हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अदाकारा ने रेड कारपेट पर अपना जादू भी दिखाया है। इस वीडियो को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि डिजाइनर से अब उर्फी जादूगर भी बन गई हैं। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर आए दिन अपने फैशन को लेकर छाई रहती हैं। अब तक अदाकारा ने ना जाने कितने अतरंगी ड्रेसेस को पहना है। हर बार एक नया फैशन लेकर मीडिया में सामने आ जाती हैं। हर इवेंट में सबकी निगाहों को अपनी तरफ मोड़ लेती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर अभिनेत्री का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेड कारपेट पर ब्लैक कलर के गाउन में नजर आ रही हैं। बताते चले कि लोग एक्ट्रेस के इस अंदाज को देखकर चौंक गए हैं और वीडियो पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। 3 मई को दिग्गज अदाकारा नरगिस दत्ता की डेथ एनिवर्सरी है। वर्ष 1981 में कैंसर बीमारी के चलते आज ही के दिन अदाकारा दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को काफी पसंद आती हैं। अभिनेत्री की पुण्यतिथि पर बेटे और अभिनेता संजय दत्त ने मां को याद किया है। संजय दत्त ने मां के साथ अपनी कई तस्वीरें साझा करते हुए दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है। संजय दत्त ने नरगिस के साथ 3 तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में नरगिस दत्ता बैठी हैं और उनके पास संजय दत्त खड़े हुए हैं। संजय दत्त की ये बचपन की फोटो बेहद प्यारी है। इसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में संजय दत्त और नरगिस एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भी नरगिस अपने बेटे की तरफ निहारती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि एक्टर के इस पोस्ट के सामने आने के बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई हैं। कपिल शर्मा का जादू ओटीटी पर कतई नहीं चल रहा है। नेटफ्लिक्स ने इस शो को पहले एपिसोड के प्रसारण के 5 हफ्तों में ही बंद करने का फैसला किया है। शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक इन 5 एपिसोड में ही नेटफ्लिक्स ने कपिल शर्मा पर करीब 25 करोड़ रुपए बहा दिए हैं। कपिल शर्मा इन दिनों कलर्स टीवी के एक अंताक्षरी कार्यक्रम का मेजबान बनने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनकी घटती ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए प्रायोजक मिलने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन से शो होस्ट और फिर कार्यक्रम निर्माता बने कपिल शर्मा का ओटीटी गेम प्लान पूरा हो चुका है। उनके नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नेटफ्लिक्स ने बंद करने का फैसला किया है। ओटीटी के सूत्रों के मुताबिक इसका आखिरी एपिसोड शूट हो चुका है और उसके बाद ही शो के सेट को हटाने का काम भी शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री की उन जोड़ियों में से एक हैं जिन्हें साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर वो हमसफर बन गए। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हेमा से उन्हें दोबारा प्यार हो गया। दोनों ने गुपचुप तरीके से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया था। एनिवर्सरी के खास मौके पर बेटी ईशा देओल ने माता पिता को बधाई दी थी, तो वहीं अब खुद ड्रीम गर्ल ने धर्मेंद्र संग सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे उनके किसी फैन ने बनाया है। हेमा ने सोशल मीडिया पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी साझा की हैं। फोटोज में हेमा और धर्मेंद्र रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोटो में दोनों माला पहने हुए देखे जा सकते हैं। बता दें कि इन फोटोज और वीडियोस को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कपल को भी एनिवर्सरी की विशेष दे रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हाल ही में मामले से जुड़े एक आरोपी अनुज थापुन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली है। 2 मई को दक्षिण मुंबई के जेजे अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। मीरठ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें ये बताया गया कि फॉरेंसिक डॉक्टरों की उपस्थिति में और दस्तावेज के उद्देश्यों से इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। अधिकारी ने बताया कि शाम 4:15 बजे से करीब 5:15 बजे तक चली प्रक्रिया के बाद शव को मुर्दा घर में रखा गया था। हालांकि शव परीक्षण को लेकर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम में देरी के लिए कानूनी और पुलिस प्रोटोकॉल के मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पहले इसे 1:30 बजे के लिए निर्धारित किया गया था, मगर कागजी कार्रवाई पूरी ना होने के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।